हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं सीमैट वर्सेस मैट के बारे में। ये दोनों एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कई स्टूडेंट कैट के साथ और भी एंट्रेंस एग्जाम को फोकस करना चाहते होते हैं कि हम कैट का एग्जाम तो दे रहे हैं, हम और कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे, या हम कैट नहीं दे रहे, हमारे लिए हम उन कॉलेजेस को फोकस नहीं कर रहे कैट के कॉलेजेस को, तुम तो सी मैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, मैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा, तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि सी मैट का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसकी मार्किंग स्कीम है, हम ये चीज देखेंगे, कौन से कॉलेज उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड, हम मैट का एंट्रेंस एग्जाम को समझेंगे कि मैट का क्या पैटर्न रहता है, उसके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको सी मैट और एक मैट के अंदर कंपैरिजन दिखाऊंगी कि भाई ये सी मैट की सारी डिटेल है, ये सारी मैट की डिटेल्स है। लास्ट में आपको मैं एडवाइस दूंगी कि किस तरीके से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को चूज। तो सबसे पहले सीमैट का पैटर्न समझते हैं। जो सीमैट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 5 सेक्शन में पूरा एंट्रेंस एग्जाम आपका डिवाइडेड आएगा। इसका मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं और ये आपके 5 सेक्शन है। अब इन 5 सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें, इस सेक्शन में आपके अर्थमैटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ग्राफ्स एंड चार्ट के क्वेश्चन आएंगे। देन फिर आ जाता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसके अंदर ग्रामर, वोकैब, पैसेजेस, पैरा जंबल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, इस टाइप के इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देन लॉजिकल रीजनिंग में आपका एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और जर्नल अवेयरनेस में आपको जीके आएगी, जिसके अंदर आपकी स्टैटिक जीके आएगी और करंट अफेयर्स आएंगे। अगर आप जर्नल अवेयरनेस के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इस आप रेगुलर मैगजीन्स पढ़ सकते हो, डेली न्यूज देख सकते हो, वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, तो आपको इसके अंदर कोई इश्यू नहीं आएगा। फिर आ जाता है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। पहले जो ये सेक्शन होता था वो ऑप्शनल हुआ करता था, बट नाउ इसको कंपल्सरी कर दिया गया है। अगर आप सीमैट के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले उनके सैंपल पेपर्स को पिक करो और जानो उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, मैक्सिमम किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जब तक आपको श्योरिटी नहीं है कि हाँ इसका यही राइट आंसर होगा, तब तक इसको फिल मत करो। हमेशा पहले आपको पता है कि यार दे आर गोइंग टू बी राइट, ये मेरे करेक्ट आंसर है, उनको फिल करो, बाद में तुक्काबाजी करो, क्योंकि तुक्काबाजी करने से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यस, नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है सीमैट के एंट्रेंस एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जाम में होती है। तभी इसमें कहा जाता है कि क्योंकि दे आर बेसिकली, ये जो एग्जाम्स है सीमैट और मैट दोनों ही स्पीड एक्यूरेसी टेस्ट है कि कितनी स्पीड में आप कितने सही आंसर दे सकते हो, तो अवॉइड करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो अवॉइड दैट, ओनली आंसर दोस क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि यार दिस इज करेक्ट। अगर हम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इसके अंदर आप स्कीम्स देखो, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम निकाली है स्टार्टअप्स में देने के लिए, क्या फंडिंग दे रहा है, तो इसके अंदर इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम के अमाउंट देखें तो 2000 फॉर जर्नल मेल्स है और 1000 है फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूसी के लिए, और इसकी जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज इसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब टॉप की अगर हम बात करें तो 1120 स्कूल एक्सेप्टिंग दिस स्कोर, मतलब अगर आप सीमैट का स्कोर देते हो तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी। ये साल में एक बार होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये कुछ कॉलेजेस है, ये कुछ टॉप कॉलेजेस मैं आपको नाम बता रही हूँ, जो ग्रेट लेक्स, चेन्नई, विलिंगटन, मुंबई, केजी सोमनिया मुंबई, वीआईटी जयपुरिया, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो इनका स्कोर सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। कॉलेजेस परसेंटाइल निकालते हैं, जब एक बार सीमैट का रिजल्ट आ जाता है, रैंकिंग आ जाती है, परसेंटाइल आ जाती है, तो इस तरीके से कॉलेज अपनी लिस्ट निकालते हैं कि हम जो स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं स्कोर वो अबव 90 परसेंटाइल होना चाहिए या 72-90 होना चाहिए, 70 प्लस होना चाहिए। जो आपके टॉप कॉलेजेस है वो सारे 90 परसेंटाइल के अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर सीमैट में स्कोर करना इजी है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज, और इसकी एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत ज्यादा है। हमें इसको जरूर कंसिडर करना चाहिए अगर हम एमबीए की प्लान कर रहे हैं। तो अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर भी 5 सेक्शंस है, हर एक सेक्शन में आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 क्वेश्चंस के अंदर हर सेक्शन के अंदर आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे, मींस 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में, तो आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए। 200 क्वेश्चंस आपको 150 मिनट में करना है, मींस यू वांट स्पीड आल्सो, यू वांट एक्यूरेसी आल्सो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। एक गलत आंसर जो होगा, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपका डिडक्शन भी होगा, इसलिए इनको कहा जाता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी टेस्ट। उसके अंदर आपके जो सेक्शंस हैं वो आ जाते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा एनालिटिक, मैथमेटिकल, इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरमेंट। ये जो सेक्शंस है ऑलमोस्ट सीमैट जैसे ही है, बहुत लिटिल लिटिल डिफरेंस होता है इनके पैटर्न में। अगर आप इनका डिटेल सिलेबस निकालोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी
और दूसरे लास्ट ईयर के सैंपल जरूर चेक करना, उससे आपको डिफिकल्टी लेवल पता लगता है और इनका जो डिफिकल्टी रहता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आता है। इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, पीबीटी पेपर बेस्ड टेस्ट, आईबीटी इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये कुछ तीन ऑप्शन हमें मिलेंगे मैट के एग्जाम के लिए, पीबीटी आईबीटी और सीबीटी दे सकते हो। पीबीटी और सीबीटी के लिए आपको दोनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इसके जो एग्जाम की फीस है वो 150 फॉर वन पेपर है, मतलब इसके अंदर आपको सबसे बेनिफिट ये होता है कि साल में ये चार बार होता है एग्जाम। तो अगर आपका एक अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, आपको समझ आ गया यार ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप दोबारा दे सकते हो, राइट। एंड 150 फॉर वन पेपर है, एक बार दोगे तो 1850। अगर आपको लग रहा है मैं दो बार इकट्ठे देना चाहता हूँ तो आप ये वाला पैटर्न चूज कर लो, ये वाली पिक ले लो, 290 50 फॉर टू, तो आपको दो एग्जाम मिल जाएंगे। किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 85+ परसेंटाइल चाहिए, मैट में इतना आपका स्कोर आना चाहिए। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सी मैट एंड मैट। मैट का जो स्कोर है 1100 टॉप 20 स्कूल एक्सेप्ट करते हैं एंड मैट का स्कोर 820 स्कूल एक्सेप्ट करते हैं। इनकी जो एग्जाम की फीस है वो 2000 है, जैसे मैं बताया था जर्नल मेल के लिए, 1000 है फॉर अदर पीपल, एंड यहाँ पे जो फीस है वो 1850 है। ये साल में एक बार होता है और ये मल्टीपल टाइम्स होता है, आपको मल्टीपल टाइम देने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर सीमार्ट के अंदर क्या होता है, अगर आप एक क्वेश्चन सही आंसर करते हो तो आपका +4 है और अगर आप गलत करते हो तो -1 नेगेटिव मार्किंग है। और मैट के अंदर क्या, अगर आप एक भी सही आंसर करते हो तो +1 है और अगर आप गलत करते हो तो -0 2.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आपकी इतनी है, यहाँ पे इतनी है, 100 क्वेश्चंस है आपके अंदर, यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चंस है एंड यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम है, यहाँ पे 2.5 घंटे का एग्जाम है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आप नोटिस कर सकते हो इसके अंदर, कि यहाँ पे आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं 3 घंटे के अंदर, मतलब आपको उतना ज्यादा स्पीड पे प्रेशर नहीं है। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस मिल रहे हैं 2.5 घंटे में, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग -1 की है और वहां पे 0.25 की। अगर कोई गलत हो भी जाता है तो भी आपके सिर्फ इतना घटेगा, बट यहाँ पे अगर आपके गलत हो जाता है, आपने मिस कर दिया, तो आपका सीधा -1 जाएगा। यहाँ पे भी 5 सेक्शन है, यहाँ पे भी 5 सेक्शन है। इसके अंदर हमने दोनों के पैटर्न को समझ लिया, सीमैट का पैटर्न भी समझ लिया, मैट का पैटर्न भी समझ लिया। अब बात आती है नाउ हाउ यू कैन टेक द डिसीजन। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मैं कौन से एंट्रेंस एग्जाम को सबसे पहले फोकस कर रहा हूँ। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए कैट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कैट को फोकस करना है, कई लोगों के लिए कैट उतना जरूरी नहीं होता। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं कैट नहीं हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट, हम उन कॉलेजेस को टारगेट नहीं कर रहे, अगर हम इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, लाइक आई ओनली वॉन्ट टू फोकस ऑन सीमैट। अगर आप सीमैट पे फोकस करो तो सीमैट और मैट आप दोनों दो, अगर आपको लग रहा है मैं कैट पे फोकस करो, तो अब ये का जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है किसके साथ ज्यादा मैच कर रहा है, मैं किसके साथ प्रिपेयर कर लूं, तो जिसके साथ ज्यादा मैच हो रहा है आपको लग रहा है मैं उसके लिए प्रिपेयर करो और साथ इसकी प्रिपरेशन तो मेरे अपने आप हो जाएगी, तो आप उसको चूज कर सकते हो। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका पहला फोकस कौन से कॉलेज है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है, सो दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट।